बिहार का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम आ चुके हैं अपने छठ घाट पे और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा काम बाकी है। सभी लोग अपने छठी मैया को सजा रहे थे, बस हमारी टीम गाना बजाने में लगी रहती है और सोने में। तो हम भी अपना सामान लाने घर आता हूँ, तभी देखता हूँ कि मास्टर साहब बांस ले जा रहे थे। तभी हम फिर तीनों मिलकर पेटी लेकर जाते हैं, क्योंकि इसी में सारा सजावट का सामान है। सारा सामान आ चुका है और बचा हुआ सामान ये दोनों ला देते हैं। तो अब बारी है अपनी जिम्मेदारी निभाने की। और मेरे गांव में जितने भी कास्ट के लोग हैं, सबका अलग अलग सजावट होता है और सभी लोग अपना अपना सजा दिए हैं। बचा है हम लोगों का, और हम लोगों का तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो अभी शुरू ही हुआ है। देखना फिर आगे क्या होता है, क्या क्या होता है। कल रात से गाना बजाए और बजता ही रहेगा। और हम लोग किस प्रकार से अपना सजावट करते हैं देखो, और बहुत टाइम लगता है इसमें, और गाना सुनते सुनते देखो। और भाई लोग, इधर रोलेक्स बांधने का प्रोसेस चालू हो चुका है और छठी में पेंट हो रही है, तो फिर देखते हैं। तो भाई लोग, सभी लोग अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे होते हैं, लेकिन इस लौंडे को क्या बताऊं भाई, इसको तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, इसको तो डांस करना है। और ये हमारे गोल्डी भैया, जो कि इनका शादी अगले महीने है, तो छठी मैया का इन पर आशीर्वाद रहे। और हमारे सभी भाइयों के कड़ी मेहनत से फाइनली अब गेट भी तैयार हो चुका है और बाकी काम चल रहा है। आगे आइए दिखाता हूँ, अभी भी यहाँ पर खुनाई का काम चालू है बांस गाड़ने का। ना ठीक बा, और लाइट जाने की वजह से अभी गाना बंद हो चुका है। लाइट नहीं की का देखा तो ठीक बा। और यहाँ पे भी सफाई का काम चल रहा है और काम चालू है। यहाँ पे कुछ कच फाइनल हो चुका है। हमारे ग्रुप का सबसे बड़ा इंजीनियर, और ये हमारे ग्रुप के सबसे बड़े इंजीनियर मिस्टर इनका कोई भी सुनील कुमार सक्सेसफुल नहीं होता है। खुनाई का काम चालू कर रहे हैं, इसका सारा काम फेल हो जाता है। हाँ झाड़ू। और यहाँ पे मोदी जी बैठे हैं जो कि इनको लेक्चर दे रहे हैं। और बैलून लगाने के साथ ही हमारा काम होता है खत्म, और मिलते हैं अब रेडी होकर। दोनों भी रेडी होकर चल रहे हैं छठ पूजा के पास, और लेट भी हो चुका है क्योंकि देर टाइम तक काम करते करते, तो फिर निकलते हैं यहाँ से। ये रहा गेट कुशवाहा पूजा समिति, और यहाँ से एंटर। और यहाँ देख ही रहे हैं आप लोग, क्या ही खतरनाक वाला माहौल बनाया है हम लोग, माहौल देखकर लगा सकते हैं ज़्यादा यार। और ये पहला गेट जो कि हम लोग का नहीं है, दूसरा गेट, तीसरा गेट, इधर भी एक गेट है। तो और ये हम लोग का गेट, सबसे पहले हम लोग चलेंगे घाट के पास। चलते हैं घाट के पास, यहाँ पे भी अच्छा वाला माहौल है। बहुत लोग, हम लेट हो चुके हैं गाइस, क्या बताऊँ मैं, लेट हो चुका हूँ बहुत लोग। सभी लोग जा चुके हैं यहाँ से पूजा करके। और ये रहा हम लोग का गेट, छठ पूजा समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। काफी अच्छा माहौल, हम ना जाम। और यहाँ बहुत चहल पहल है, और हमारा यहाँ छठ पूजा ऐसे ही होता है। अच्छा लगा तो कमेंट में बताना जरूर, और आगे देखना। अब इस बार छठ पूजा मेरे घर नहीं हो रहा है, उससे कोई बात नहीं। अब हम जा रहे हैं छठी मैया से आशीर्वाद लेने, मैं और मेरा दोस्त। और छठी मैया से मैं एक ही चीज़ की प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दे मेरा, और वीडियो वायरल हो जाए छठी मैया से बात से। तो ये रही हमारी छठी मैया, और ये रहा यूट्यूबर। बोल।
और ये है हमारा क्यूट सा भांजा मिस्टर लड्डू, और ये हमारे लड्डू हैं जो कि बहुत गुड। और ये लोग दौरा लेकर आप जा रहे हैं, ये ऐसे ही जा रहे हैं, ये लोग दौरा लेकर जा रहे हैं। सभी लोग अब घर जा रहे हैं और रात में आएंगे कोसी भरने, और यहाँ पे नाइट का माहौल दिखा देता हूँ आप लोगों को। राइट नाइट में कुछ ऐसा माहौल है रात में। और ऐसा गाना मेरा ये काम एक ही कमीना कर सकता है, एक ही दोस्त बजा सकता है जिसका नाम अभिषेक है। और यहाँ सामान लेकर हम घर चले जाते हैं जहाँ लिट्टी लगा रहे हैं, लिट्टी लगाते हैं हम लोग और फिर लेकर आते हैं यहीं पे खाने के लिए। और हमारी टीम इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार गई है भाई। इस बंदे को तो मस्ती से जाए, एकदम लिट्टी खाते हुए भी डांस करता है और खाने के बाद हम लोग को भी ना जाता है। और डांस करने के बाद हम लोग घर चले जाए सोने के लिए। सुबह सुबह हम लोग चल दिए हैं फिर से छठी मैया के पास, फिर चलते हैं। थकान की वजह से बहुत ज़्यादा नींद लगा था भाई, फिर से मैं लेट हो चुका हूँ। जैसे शाम को लेट हुआ था वैसे सुबह में भी लेट हो चुका हूँ। चलिए अब सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं दिखाता हूँ, बस देखते रहो भाई। आज सुबह सूरज भगवान की पहली किरण से सभी लोग अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ते हैं, तो इसलिए हम लोग चाय बना रहे हैं। सभी लोग को पिलाते हैं, सिर्फ अपने ही कास्ट के नहीं सभी लोगों को पिलाते हैं हम लोग बनाकर। और हम लोग जा रहे हैं बम छोड़ रहे थे, बम दिखा दे देख लो भाई दोनों। अरे कल से हम लोग मस्ती नहीं किए हैं तो इस बार तो मस्ती बनता ही है, और एक्सपेरिमेंट हम लोगों का चलता ही रहता है, देख लो आप। इसमें ये वाला बम डालकर ट्राई करते हैं कि इसका क्या हाल होता है, और इसका चेथरी चेथरी निकल जाता है, देखना आप। हमारा ग्रुप आ गया है घाट पे, यहाँ फोटो शूट चल रहा है। छठ पूजा एक ऐसा पूजा है जहाँ सूरज भगवान की उगते नहीं डूबते सूरज भगवान की पूजा होती है। और यहाँ पे सूरज भगवान निकल चुके हैं दूसरे दिन, और यहाँ पे अर्घ देने का काम चालू हो चुका है। अर्घ देने के बाद सभी लोग अपना व्रत तोड़ते हैं और हम लोग चाय पिलाने का काम चालू करते हैं। चाय पीने के बाद सभी लोग अब घर जाते हैं पूजा करके, और हम लोग का काम ये मिलता है प्रसाद मांगने का, तो ये तो एकदम रिवाज ही है तो मांगना पड़ता है ना। हाँ सभी लोग घर जा चुके हैं, बचे सिर्फ हमारे ग्रुप के लड़के। उसके बाद सब चाय और ठेकुआ कितना खाते हैं पता ही नहीं चलता, और चाय और ठेकुआ खाने के बाद यहाँ पे नारा लगाने के बाद हम लोग फोटो शूट करते हैं। साथ ही यहाँ का छठ पूजा समाप्त होता है, और बाकी का सामान अब हम लोग ले आने की तैयारी कर रहे हैं। कपड़ा चेंज कर हम लोग आ चुके हैं फिर से अपना जो सजाए थे खोलने के लिए, तो फिर खोलते हैं देखो फिर। और ये लोग भाई गाना बजाने का कार्यक्रम रोकने वाले नहीं है, गाना बजता ही रहेगा। और यहाँ खोलने का प्रोसेस छोटे छोटे बच्चे चालू कर चुके हैं। जी भैया इनका विसर्जन का अंतिम हम दिखाएंगे आप लोगों को। जय छठी मैया। और सभी लोग अपना फर्ज अच्छे से निभाने लगते हैं, क्योंकि सारा सामान खोल कर अच्छे से रखना है और घर भी पहुंचाना है, तो फिर करते हैं सारा सामान खोलने के बाद। सभी काम खत्म होने के बाद अब छठी मैया का अंतिम विदाई चालू हो चुका है। अब छठी मैया को अंतिम विदाई देते हैं, देखिए आप लोग। निकला
बाहर सर तेरी बाहर समाप्त हो गया और हम सब मूर्ति दर्शन कर दिए। बोले छठी मैया की जय, हर हर गंगे।